हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग यूजीसी नेट एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें सोशल मूवमेंट से रिलेटेड चार थियरीज मेंशन है, जिसमें से हम तीन कर चुके हैं। ये लास्ट थियरीज ये थियरी पेंडिंग थी, सो आई थॉट कि इसको भी करवा दिया जाए। तो न्यू सोशल मूवमेंट थियरी की बात हम आज करेंगे। कॉन्सेप्चुअल सा टॉपिक है, थोड़ी सी समझने की चीज है, बहुत ज्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं, ठीक है। सो बस एक बार सुन लीजिए ध्यान से। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है वो कर सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। सो देखिए, न्यू सोशल मूवमेंट थियरी, जैसे रिसोर्स मोबिलाइजेशन की थियरी थी या डेप्रिवेशन की थियरी थी, रिसोर्स डेप्रिवेशन, तो पॉइंट ये है कि ये स्पेसिफिकली ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक थियरी है, मतलब ये बहुत सारी थियरीज को मिला के बनाई गई है, ये समझ के चलिए। ऐसा नहीं है कि जैसे हम बोल देते हैं ना, ये पेवलोव की थियरी है, सो पेवलोव ने जो बोला वो उस थियरी में है, दैट्स इट। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये एक स्पेसिफिक थियरी हो, ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स को मिला के जब हम एक चीज बोलते हैं तो ये न्यू सोशल मूवमेंट थियरी निकल के आती है, NSMT। सो दो सेंट्रल क्लेम है इस थियरी के, इन थियरीज के। द राइज ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यू वेव ऑफ सोशल मूवमेंट। तो जैसे ही इंडस्ट्रीज बननी शुरू हुई ना, तो उसके बाद की जो इकोनॉमी हुई, सो पोस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, मतलब उसका बढ़ना और जो बन रही है और ज्यादा, सो पोस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है नए सोशल मूवमेंट्स के लिए, नए तरीके के। ओके, मतलब पहले किस जो हमने देखा कि रिसोर्सेज की कमी है इसलिए सोशल मूवमेंट हो गया, कोई दिक्कत हो रही है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है पावर की वजह से या जिस भी वजह से, तो एक मूवमेंट हो गया। बट यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जैसे जैसे इंडस्ट्री ने बढ़ावा किया या जैसे जैसे इंडस्ट्री में बढ़ावा हुआ, उसके बाद कुछ नए तरीके के सोशल मूवमेंट्स जो है वो निकल के आते हैं। तो ये पहला पॉइंट है इसका। These movements are significantly different, यानी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के पहले जो चीजें थी उस टाइम पे और अब के मूवमेंट्स में एक जो है बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस हमें देखने को मिलता है कि पहले मान लो रिसोर्सेज की वजह से हो रहा था, अब वुमेन के राइट्स के लिए हो रहा है कि भाई हमें भी अधिकार मिलना चाहिए। सो वो एक सिनेरियो जो है वो काफी चेंज हमें देखने को मिल रहा है। सो पोस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी जो जो मूवमेंट्स हुए उनको हम जो है जिस टाइप के मूवमेंट्स हुए उनको हम न्यू सोशल मूवमेंट थियरी की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। So, ये चीज समझने वाली है कि जो न्यू सोशल मूवमेंट की थियरीज हैं, इसमें जो टर्म थियरी है ये कोई ऐसे अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये एक स्पेसिफिक थियरी कि भाई ये इसमें ऐसे 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 हुआ था, ऐसा नहीं है। तो ये बहुत सारी थियरीज या बहुत सारी चीजों को मिला के, अलग अलग थियरीज से बहुत सारी चीजों को मिला के जो है एक न्यू सोशल मूवमेंट थियरी हम बोल रहे हैं कि नए तरीके की थियरीज जो है वो इसमें निकल के आ रही है, ठीक है। सो 1960s में ये टर्म जो है वो निकल के आती है, प्राइमरीली इन सेवरल डिफरेंट यूरोपियन वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज। ये जो थियरीज हैं, अब जो न्यू सोशल मूवमेंट की थियरीज हैं, ये किस चीज का रिएक्शन है? जो मार्क्सिस्ट थियरी थी, क्लासिकल मार्क्सिस्ट की थियरी, जिसमें वो एनालाइज कर रहे थे कलेक्टिव एक्शन को कि क्यों जो है कलेक्टिव एक्शन हम लेते हैं, क्यों सोशल मूवमेंट होता है। सो उसमें जो कमियां रह गई थी उसकी वजह से बाकी उसका उसके रिएक्शन में कुछ एक जो है मूवमेंट थियरीज निकल के आई, उनको हम न्यू सोशल मूवमेंट थियरी बोलते हैं, ठीक है। सो जो न्यू सोशल मूवमेंट थियरीज हैं वो जो टिपिकल मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क है उससे थोड़ा सा अलग हटके चलती है, क्योंकि जो मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क था उसमें स्पेसिफिकली इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव या सोशियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के ऊपर फोकस किया गया था। बट ये थियरीज जो है ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या फिर जो है कल्चरल हर एक एस्पेक्ट के रिलेटेड कलेक्टिव एक्शन की बात करते हैं कि कहीं पे भी कोई दिक्कत हो रही है किसी नए तरीके से, कि मान लो आइडियोलॉजी की बात हो रही है कि भाई वुमेन को राइट मिलने चाहिए, तो उसके लिए कुछ जो है वो हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, या मान लो ग्लोबलाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है उसके अगेंस्ट किसी की आइडियोलॉजी है, उसके लिए कई लोग मिलके जो है वो एक्शन ले रहे हैं, तो वो कलेक्टिव एक्शन हो गया ना। सो वो कलेक्टिव एक्शन ये सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट से थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा अलग है। एडिशनली अगर हम बात करें, सो जो NSMT है वो फोकस कर रही है नए तरीके, मतलब कलेक्टिव आइडेंटिटी को एक नए तरीके से डिफाइन करने की। जैसे यहां पे कलेक्टिव आइडेंटिटी थी सोशल लेवल पे इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के एस्पेक्ट में,
ठीक है, कि आपकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, उस हिसाब से आप कलेक्टिवली जो है सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है अब न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरी में, यहाँ पे कलेक्टिव आइडेंटिटी जो है वो एथनिसिटी के बेस पे भी हो सकती है, जेंडर के बेस पे हो सकती है, सेक्सुअलिटी के बेस पे हो सकती है। सो बेसिकली हम ये समझना चाह रहे हैं कि कलेक्टिव आइडेंटिटी जो है, जो मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क था उसने कलेक्टिव आइडेंटिटी को जो जिस तरीके से डिफाइन किया, न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरी अलग तरीके से डिफाइन करने की इसको कोशिश कर रही है। क्योंकि जो ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म था वो सोशियो इकोनॉमिक क्लास को एक प्राइमरी डिफाइनर मान रहा था कलेक्टिव आइडेंटिटी का, लेकिन यहाँ पे अब जेंडर भी एक कलेक्टिव आइडेंटिटी का डिफाइनर हो सकता है, सेक्सुअलिटी के बेसिस पे भी कलेक्टिव आइडेंटिटी हो सकती है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अगर सेम हो रही है तो उस बेसिस पे हो सकती है। सो कलेक्टिव आइडेंटिटी का जो मीनिंग है, डिफाइन जिस बेसिस पे हम करते हैं, उसके नए पैमाने हम इसमें ढूंढ रहे हैं न्यू सोशल मूवमेंट थियरी में। ठीक है, तो जो न्यू सोशल मूवमेंट थियरीज हैं टेंड टू बी बेस्ड ऑन फिलोसॉफिकल वर्क ऑफ कॉन्टिनेंटल थिंकर्स, और कॉन्टिनेंटल थिंकर्स में जर्गन हैबरमास और टाउरेन। तो हैबरमास की थियरी तो हमने पहले ही पढ़ रखी है, अगर नहीं पढ़ी है तो उसको देखिएगा कि हैबरमास का क्या थिंकिंग था या क्या पॉइंट ऑफ व्यू था। ओके, सो वो जो इनकी फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे न्यू सोशल मूवमेंट थियरी जो है वो बेस्ड है। ये जो थियरीज जनरेट हो रही हैं, ये कब जनरेट हो रही हैं, ये पोस्ट इंडस्ट्रियल हो रही हैं, यानी इंडस्ट्री के बाद हम कंपैरेटिवली मॉडर्न सोसाइटी बन रहे हैं, तो पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज की यहाँ पे बात हो रही है कि उसके भी बाद की बात हो, मतलब अब ये जो अब जिस सोसाइटी की हम न्यू सोशल मूवमेंट थियरी में बात कर रहे हैं उसमें जो वर्कफोर्स है, जो काम करने वाले लोग हैं, एजुकेटेड हैं, स्किल्ड हैं, वाइट कॉलर जॉब जिसको बोल देते हैं, कॉरपोरेट में काम करते हैं, इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, ठीक है, तो ये जो थियरी है, ये जो थियरिस्ट हैं न्यू सोशल मूवमेंट थियरिस्ट, ये नई थियरीज जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग जो ये वर्कफोर्स वगैरह है, ये जो एनवायरमेंट में काम करते हैं, वो किस तरीके से बिहेव करते होंगे। ओके, फंडामेंटल स्ट्रगल क्या है ओवरऑल, तो वर्कर्स का हमेशा से एक ही स्ट्रगल होता आया है जो वो फेस करते हैं, एक वर्क लाइफ बैलेंस वाले इश्यूज, कि आपके पास काम है, काम के लिए आप 8-8, 10-10, 10-10 से 12 घंटे आप काम कर रहे होते हैं, सो आप अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करेंगे, तो ये एक मेजर इश्यू जो है वो मॉडर्न सोसाइटी के बाद अब जो है वो निकल के आ रहा है। सो फंडामेंटल स्ट्रगल वर्कर्स की होती है कि वो वर्क लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रही। ओके, तो जो न्यू सोशल मूवमेंट थियरी है वो किस तरीके के मूवमेंट्स की बात कर रही है, जैसे पोस्ट 1960s की बात हो रही है, वुमेन राइट्स से रिलेटेड हो गया, एनवायरमेंटल मूवमेंट हो गया, एंटी कॉर्पोरेट हो गया, या एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट हो गया, तो इस तरीके के मूवमेंट्स की ज्यादा बात यहां पर हो रही है, रादर देन जो पहले होते थे कि रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं इसलिए उसकी डेप्रिवेशन की वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, किसी कॉन्फ्लिक्ट थियरी को हमने पढ़ी है ना 3-4 थियरीज, पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से हो रहा है, यहां पे अब इश्यूज चेंज हो गए हैं कंपैरेटिव, वुमेन राइट, एनवायरमेंट, एंटी कॉर्पोरेट, तो इस तरीके के नए तरीके के इश्यूज जो है वो न्यू सोशल मूवमेंट थियरी में देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके भी क्रिटिसिज्म की डेफिनेटली रहेगी कि जो मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क बोल रहा था ना कि सोशियो इकोनॉमिक क्लास के बेसिस पे कॉन्फ्लिक्ट, उनकी वजह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, यहां पे उन पे ज्यादा फोकस नहीं किया गया, यहां पे अलग तरीके के, मतलब सोशियो इकोनॉमिक क्लास तो अब भी एग्जिस्ट करती है ना, तो कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट या कुछ ना कुछ चीजें तो वो अभी भी एक्सपीरियंस करते होंगे, तो उन मूवमेंट पे फोकस क्यों नहीं हो रहा है। सो वो न्यू सोशल मूवमेंट थियरी की एक क्रिटिसिज्म है कि उन पे भी तो बात कीजिए ना, आप सिर्फ नए तरीके के मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं। दूसरा क्रिटिसिज्म ये बोल रहे हैं कि जो भी मूवमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, जैसे जो वुमेन राइट की, एनवायरमेंटल की, तो ये अपने आप में अलग हैं, लेकिन न्यू सोशल मूवमेंट थियरी इन सबको एक ही एम्बिट में तोड़ रहे हैं, एक ही तरीके से इनको कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जबकि बहुत डाइवर्स है एक दूसरे से, मतलब एनवायरमेंट और वुमेन राइट्स बिल्कुल दो अपोजिट पोल्स हो गए ना, अलग अलग चीजों की बात हो रही है, तो वो चीज यहाँ पे क्रिटिसिज्म में आ जाती है कि ये इनको सेम टाइप्स की तरीके से ही तोल रहे हैं, सेम तरीके से इनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये जो पिजन होलिंग हो रही है डाइवर्स मूवमेंट्स की एक ही कैटेगरी में, वो गलत हो रही है, और उसकी वजह से जो है वो इंटेलेक्चुअल फ्यूटिलिटी जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ होएगी। सो पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि ये अलग अलग तरीके के, एक तो ये सिर्फ नए मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं, पहला क्रिटिसिज्म, जबकि अभी भी सोशियो इकोनॉमिक क्लास एग्जिस्ट करती है तो उनके भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते होंगे, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। दूसरा क्रिटिसिज्म है कि जितने भी नए मूवमेंट्स हैं उनको सेम ही एक ही होल में मैनेज करना, एक ही तरीके से उन सबको लेके चलना, ये थोड़ा सा क्रिटिसाइज करने वाला पॉइंट है।
सो ये ध्यान रखिए कि न्यू सोशल मूवमेंट थियरी कोई ऐसा नहीं है कि भाई एक पर्टिकुलर ईयर हो कि 1971 उसमें जो है वो न्यू सोशल मूवमेंट थियरी आई, उसने ऐसा ऐसा बोला. सो ऐसा कुछ नहीं है. ये पोस्ट इंडस्ट्रियल यानी कि 1960 के, क्योंकि जब इंडस्ट्रीज उस टाइम डेवलप होनी शुरू हुई थी ना, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी उसके बाद. सो वो सारी चीजें क्या हो रही है, उसके बाद की चीजों के बारे में ये फोकस कर रही है. ऐसा कोई पर्टिकुलर ईयर नहीं है, कुछ स्पेसिफिक ये थियरी नहीं है. बहुत सारी थियरीज की कुछ कुछ चीजें मिला के हम इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है. सो आई होप आपको न्यू सोशल मूवमेंट थियरी के बारे में इतनी चीजें समझ आई होंगी. फिर भी कुछ समझ ना आया हो, कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा. दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री. सो फ्री में सब्सक्राइब तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं. एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स.